नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह का सीधा संबंध चंद्रकांता से है। इस जगह का संबंध माँ विंध्यवासिनी से है, माँ अष्टभुजा से है, माँ काली ख्वाह से है। इस जगह के आसपास के इलाकों को एक ज़माने में विजयगढ़, राजगढ़ और नौगढ़ का नाम दिया जाता था। इस जगह का सीधा संबंध यहाँ के अलग अलग स्थानों को लेकर है, जैसा आप हमारे पीछे ये प्राचीन घंटाघर देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं अय्यारी शुरू हुई, अगर आप नहीं समझ रहे हैं अय्यारी का मतलब, अय्यारी का मतलब राजनीतिक जासूसी, अगर दुनिया में सबसे पहले कहीं अय्यारी शुरू हुई तो वो इसी जगह से हुई। भारतीय फिल्मों के रुपहले पर्दे पर हो सकता है कि आपने इसका कुछ अलग स्वरूप देखा हो, लेकिन हम जिस स्वरूप से आपको परिचित करवाने जा रहे हैं वो सांस्कृतिक एकता का है, वो प्राचीन विरासत का है, वो गौरवमयी उस परंपरा का परिचय हम आपको करवाने जा रहे हैं जिसमें हमें दर्शन होते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के। हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, और मिर्ज़ापुर के कालीन उद्योग के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक एहसास है, एक दिल का रिश्ता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग है इन धागों के साथ में। एक धागे के अंदर भी कई और धागे मजबूत हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बंधन है। और जो लोग ये कहते हैं कि पत्थरों में जान नहीं होती, मुझे लगता शायद वो गलत कहते हैं, क्योंकि अगर पत्थरों में जान ना होती तो एक संग तराश कैसे उस बोलती हुई मूर्ति को पत्थर से पैदा कर देता जो कि मंदिरों में जाती हैं और पूजने के योग्य हो जाती है। जब हम इन धागों की बात कर रहे हैं तो इन धागों में भी सपने सज रहे हैं, इन धागों में भी सपने बिन रहे हैं, इन धागों में भी न जाने एकता के कितने सूत्र समाहित हैं। बस जरूरत है तो इनको देखने की और इनको समझने की। ऐसे करते हुए जब मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सितार के तारों पर जब हम इस तरीके से छेड़ते हैं तो सुर निकलते हैं, और जब इन धागों को कॉटन के इन यार्न को जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे लग रहे हैं कि जाने कितने सपने इनसे बिने जा रहे हैं। जब हम मिर्ज़ापुर और भदोही के कालीन उद्योग का जिक्र करते हैं तो न जाने कितने श्रमिकों के, न जाने कितने व्यापारियों के, न जाने कितने लोगों के इनसे न केवल घर के चूल्हे जल रहे हैं, घरों के चिराग जल रहे हैं, वरन बहुत सारे लोगों के सपने जवां हो रहे हैं। न जाने कितने घरों में लड़कियों की शादी ब्याह का आधार यही तागे बनते हैं। सोचिए ना सही, किस तरीके से सामाजिक ताने बाने को मिर्ज़ापुर भदोही का कालीन उद्योग जोड़ रहा है। और जरूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि इस कालीन उद्योग में ना तो धर्म का कोई भेद है, ना जाति का कोई बंधन है, ना वर्ग का कोई संघर्ष है, यहाँ पे ऊंच नीच भी नहीं है। अगर कोई यहाँ पर है तो सिर्फ भदोही मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग का पुजारी है, वो इसलिए कि कोई मन से इसको बुनता है, कोई मन से इसको रंगता है, उसी हिसाब से कोई इसको विक्रय करता है, और तब जाके
जब हमारे और आपके घरों में ये कालीन सजता है तो फिर हमारे आपके चेहरे भी खिल उठते हैं और कहीं ना कहीं हम बरबस ये तारीफ कर बैठते हैं, वाह क्या बात है। ये है मिर्जापुर भदोही का कालीन। कालीन पहले जो भदोही आज की तारीख में जनपद है, वाराणसी जनपद से पृथक होकर के भदोही अलग से जनपद बना और वो काफ़ी पहले मिर्जापुर जनपद का ही एक तहसील हुआ करती थी। तो पर्सियन कालीन का कंसेप्ट था दुनिया में, ईरानी कालीन आज भी मानी जाती हैं, और पहली बार उनको टक्कर देते हुए अगर एक औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति हुई तो वो भदोही की कालीन थी। तीन ब्रिटिशर्स आए थे, उन लोगों ने कालीन को शुरू किया और धीरे धीरे यह पूरी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र हो गया। और ये केंद्र इस तरह की क्वालिटी में जहाँ बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो यह अर्थशास्त्र इस तरह का है कि इसमें छोटे से बड़े सब शामिल हैं, सारे धर्म संप्रदाय इसमें शामिल हैं, सारी डिजाइन शामिल हैं। और अच्छी बात यह है कि मिर्जापुर भदोही की कालीन ने विश्व के मानचित्र पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस बनाया कि आप आश्चर्य करेंगे कि घनघोर कोरोना काल में भी यहाँ की एक्टिविटीज़ पूरी तरह से कंटिन्यू रही और जो कालीन का ट्रेड था और विशेष रूप से देश से ओवरसीज जिसको ट्रेड कहते हैं उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। मिर्जापुर और भदोही का कालीन, यहाँ की जो मान्यता है कि यहाँ से ईरान के कुछ व्यापारी और वो जो शेर शाह सूरी मार्ग था उस मार्ग से होते हुए दिल्ली जा रहे थे, तो खमरिया एक छोटा सा गांव है जो जीटी रोड के किनारे है, तो उसमें एक उनका जो था ईरानी वो बीमार हो गया। उसके बाद वो उसको स्थानीय लोगों ने सही किया, दवा किया सबका, तो वो ठीक हुआ। तो उसने यहाँ गलीचा बीनना सिखाया। खमरिया में सबसे पहले लोगों ने लूम लगवाया, गलीचा बीनना सिखाया, तो उससे उस समय से ये प्रथा धीरे 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 पुश्त बाय पुश्त यहाँ चलती चली जा रही है। मिर्जापुर और भदोही के कम से कम आप समझिए कि 30 से 35 हज़ार परिवार सीधे तरीके से इस पर जुड़े हुए हैं, सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं। और एक परिवार का पे औसत साइज माने तो 5 से 5 का हम सैंपल साइज लेते हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे रुके हुए हैं। उसके बाद कम से कम 1000 परिवार ऐसे हैं जो बीज की प्रोसेसिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि तकरीबन 5 से 8 लाख की जनसंख्या ऐसी है जो निश्चित रूप से इस रोजगार से उनके परिवार चल रहे हैं और चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये मिर्जापुर भदोही का कालीन उद्योग, इसी तरीके से यहाँ पे लगातार कालीन बनती है। और कितनी खासियत है, यहाँ पर बंसीलाल भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर नसीम भी काम कर रहे हैं, दोनों ही लोग एक ही साथ एक ही टेबल बैठ के लगातार धागों को बुनते जा रहे हैं, कालीन बनता जा रहा है। और कितना अच्छी मिसाल मिलती है यहाँ पर धार्मिक सद्भाव की, कोई बंधन नहीं है, जिसको कहते हैं भारतीय एकता, उसकी अखंडता, ये जो हुनर है, इस हुनर के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रेष्ठता, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिख रही हैं। बंसीलाल जी, आप हमें ये बताइए कि एक इस तरीके से कालीन कैसे आप बनाते, कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? इसको बनाने में भाई साहब जैसा दो आदमी हैं तो 2 महीने 2.5 महीने जैसा काम हो रहा है उसी के अनुसार इसका समय लगता है। तो रोज कितने घंटे लगभग देते हैं इसमें? 9 घंटा 8 घंटा 10 घंटा इतने भी टाइम देते हैं। और तब 2.5 महीने लग जाते हैं? हाँ, तब लग जाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे, क्या क्या काम होता है? यहाँ कालीन यही बीन रहे हैं, इसको तैयार करने के बाद उसके बाद ऑर्डर कंपनी से ले आते हैं। अच्छा। उसके बाद वहाँ काती खुलती है, ताना होता है, और ताने के बाद तो मैं काठ में लपेट करके इसको शुरू करते हैं। तो ये काठ में लिपटा हुआ है? हाँ, काठ में। हाँ, ये ताना है। और ये जो आपके हाथ में है ये सूत है, काती, ये इसको बूलन भी बोलते हैं ना? बूलन होता है ना? हाँ, काती है। अच्छा, ये काती है और ये ताना है, ताने में ये काती जाता है। हाँ। और ये काती चूंकि बूलन है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ वीविंग होती चली जाती है। हाँ। और इस वीविंग के बाद में धीरे धीरे करके ये पूरा कालीन तैयार होता है, ऐसा ही ना? हाँ, ऐसे ही डिजाइन सामने जो नक्शा बना रहता है उसको डिजाइन देखते हुए उसी के माध्यम से मैं तैयार करता हूँ। चलिए बंसीलाल, नसीम जी आप इधर आइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप ना जाओ, ये
इधर देखिए कैमरे की तरफ, ये बताइए कि आप कब से इसको काम कर रहे हैं? अभी तो आप तो नौजवान ही लग रहे हैं। इसको काम करते हुए हमको लगभग 8 साल हो गए हैं। अच्छा, उधर देखिए आप कैमरे की तरफ, 8 साल कैमरे में आपको। हाँ, 8 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो कितना कमाते हैं महीने में इससे? इसमें काम अगर हम लोग करते हैं 8 से 9 घंटे काम करेंगे तो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते हैं। अच्छा, 8 से 9 घंटे रोज? हाँ, 8 से 9 घंटे। वो ये काम अपने ऊपर है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आपको एक हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, खट 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 खट, सुनाई पड़ रही ना आपको? हाँ, ये जो आवाज है किसकी है? पंजा की आवाज है। वो इसलिए ना कि इस कालीन को ना सेट करते रहते हैं, जितना वो बिनते हैं उसको ठोकते हैं, नीचे पहुंचाते हैं और वो कालीन सेट होती होगी। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कालीन बनती कैसे है। थोड़ा ये आप दो चीजें देख रहे हैं ना हमारे हाथ में, ये तो ताना है, यानी कि ये बेस है ताने का, और ये एक दूसरी चीज उलन बोलते हैं, यानी कि ऊन का ही है विशुद्ध रूप से। इन दो चीजों से मिलकर ही आपकी कालीन तैयार होती है, दोनों का संगम है। और लगातार हम एक बार शेष भाग में चीजें दिखाते क्या हैं, जहां पे चीजें मिल रही हैं, जहां पे लोग मिल रहे हैं, जहां पे भारत की परंपराएं मिल रही हैं, जहां पर भारत का एक तरीके से जो एकता की भावना है वो मिल रही है। और इसी में तो हमें ये कालीन उद्योग दिख रहा है, और कालीन उद्योग में वो सारी चीजें हमें दिख रही हैं जो हमारी संस्कृति की परिचायक हैं, वाहक हैं, और जिनकी वजह से हमारी विरासत मजबूत है, गौरवमयी है, और उसके ऊपर हम गर्व भी करते हैं। और ऐसा ही है अपना कुछ कालीन उद्योग मिर्जापुर और भदोही का। भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की खासियत यही है कि हम आपको बारीक से बारीक जानकारी देते हैं, ताकि आप ये समझ सके कि आखिरकार हम बता क्या रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें छिपी अंतर्निहित भावना उसको भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मिर्जापुर भदोही के कालीन उद्योग की बात चल रही है, और हम इस समय कालीन जहां पर बनता है, ऐसी ही कई और भी जगह संस्थान है जहां पर कालीन बनता है। हमारे साथ में ये बुनकर हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बुनकर हैं, लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कालीन बनता कैसे है। आप अपना नाम बताएं। भोलेनाथ। अरे भाई वाह। भोलेनाथ, अब तो बात करने में थोड़ा सा डर लग रहा है हमको, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। भोलेनाथ जी, आप हमको बताइए कि कालीन ये बनता कैसे, पूरा प्रोसेस क्या होता है? ताना पहले होता है। हाँ। उसके बाद फिर कार्यक्रम चालू होता है काट के ऊपर से। अच्छा। बुनाई, पंजा ठोकना, बोट खींचना, अंगुश्ती देना, यही सब शुरुआत होती है। उसके बाद फिर काम चलता रहता है, इसे उतर जाता है तो नपता है, जहाँ नपना होता है। जो मिर्जापुर और भदोही का जो कालीन उद्योग है, ये काफ़ी टाइम से परिवार तो चलता आ रहा है, हमारे पापा और हमारे दादा के ज़माने से। पहले दादा किया करते थे, फिर पापा करते थे, अब उनके बाद धीरे धीरे करके हम इस काम में एंट्री लिए हैं, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये काम आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर है, और काफ़ी सारे इसमें वीवर्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जिनके चलते उनका घर परिवार सब कुछ धीरे धीरे करके चलता चला जा रहा है। जो गलीचा होता है इसमें मतलब काफ़ी तरह का प्रकार होता है, काफ़ी तरह के क्वालिटी होते हैं, काफ़ी तरह के इसमें कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनने में, इसको बुनने के लिए काफ़ी आदमी लगते हैं। एक एक गलीचे के कुछ बिनाई तो ऐसे हैं कि दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं, कुछ गलीचे ऐसे हैं जिनमें एक हफ्ते लगते हैं। तो इसका अपना देखा जाए तो हर तरह का एक मार्केट वैल्यू है, और सबका अपना अपना अलग प्राइस है और अलग अलग एक क्वालिटी होता है हर कारपेट का। ये जो कॉटन है, ये सबसे पहली बात तो जो भेड़ होता है, भेड़ के जो शरीर पे जो ऊन रहता है, इसी ऊन से ये क्या कहते हैं बनाया जाता है।
पहले तो ये आता था पंजाब साइड वगैरह से, मध्य प्रदेश से, लेकिन जब से क्या कहते हैं हमारी बीजेपी सरकार ने जब से इस काम पे ज़्यादा फोकस किया है तो उसकी कुछ फैक्ट्रियां जो हैं कानपुर में भी लगी हैं, और जहाँ से हम लोगों को कॉटन मिलना आसान हो गया है, कंपनियों को भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम बचता है, फिर उसके बाद जल्द से जल्द हम लोगों को ताना मिल जाता है, काती मिल जाता है, जिससे हम लोग जल्द से जल्द अपना काम चालू करते हैं, उसको प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद कंपनी के पास हम लोग लेके जाते हैं कारपेट को। मिर्ज़ापुर का भदोही का कालीन उद्योग विस्तार ले रहा है। महज बात अब ये कारपेट तक सीमित नहीं रही है कि आप जमीन पर कोई कालीन बिछाएं, वॉल हैंगिंग को ले लें, इंटीरियर डिजाइनिंग को ले लें, और खास तौर से कोरोना के बाद आप यकीन मानिए लोगों का जो झुकाव है वो नेचुरल फाइबर की तरफ हो रहा है, यानी कि वो आर्टिफिशियल चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। और लोगों का ये झुकाव किस तरीके से मिर्ज़ापुर भदोही के कालीन उद्योग को और बड़ा जीवन प्रदान कर रहा है, उनको उत्साह से भर रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा आपको इंतजार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने दो चीजों का जिक्र किया था, एक तो किस तरह से कालीन उद्योग बढ़ रहा है, और दूसरी बात कि किस तरह से आफ्टर कोरोना या कोविड के बाद में जिस तरीके से पूरी महामारी का दौर निकला, लोगों का रुझान आर्टिफिशियल चीज़ों से हटकर नेचुरल चीज़ों पर आ गया है, और ये रुझान उनका कालीन उद्योग पर भी दिख रहा है। हमने आपसे बात की थी कि किस तरीके से नेचुरल फैब्रिक के साथ अब लोग चाह रहे हैं कि उनके घर में कालीन हो या वॉल हैंगिंग हो या फिर जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग हो, और ये जो संदीप एक्सपोर्ट्स में हम खड़े हुए हैं, ये हम जो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। वो इसलिए क्योंकि आप ये देखिए, ये सब कुछ जूट से बना हुआ है, और ये अपने आप में बहुत उम्दा कारीगरी भी है, बहुत सफाई भी है, और ये किसी भी घर की शोभा बढ़ा सकती है। कहीं पे भी आप इसको लगा दीजिए, वाकई इससे बेहतर और कुछ दिखता नहीं है। और जब हम नेचुरल फैब्रिक की बात करते हैं तो इसमें जूट भी शामिल है, इसमें विस्कोस भी शामिल है, इसमें लेनिन भी शामिल है, ऐसी कई चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पर अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और इसीलिए कालीन उद्योग अब विस्तार ले रहा है। सामने आते भी नहीं और अपना चेहरा छुपाते भी नहीं, ना तो जनाब ये चिलमन है और ना ही ये पर्दा है, इसीलिए यहाँ पर कोई शायरी की बात हो भी नहीं सकती है। दरअसल ये जो कुछ है ये संगम है, और संगम है गांव और शहर का, संगम है अतीत और आज का, संगम है कुशलता और कारीगरी का, क्योंकि ये है मिर्ज़ापुर भदोही का कालीन, और इस कालीन के जरिए भारतीय संस्कृति का जो परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है बहुत ही बुलंदी के साथ लहरा रहा है। कालीन एक कला है जी, जिसको एक बुनकर अपनी मेहनत से और ऊन से और धागों से एक कालीन में उतारता है जी, और वो आपको किसी भी प्रोडक्ट को देखने में आपको नज़र आएगी कि हर बुनकर अलग होता है और अपनी कला, जो डिज़ाइंस हम उनको देते हैं उन डिज़ाइंस के साथ साथ अपनी कला को जो है से इस कारपेट को निखारता है। और एक कारपेट बनाने में बहुत ढेर सारे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें 8-10 प्रोसेसेस होती हैं और हर प्रोसेस के लिए हर एक फैमिली होती है। जैसे कि सबसे पहले बिनाई का प्रोसेस होता है,
फिर बिनाई के बाद इसमें जो है वो कारपेट मेरे पास जब आता है तो उसमें धुलाई का प्रोसेस होता है, फिर धुलाई होने के बाद उसकी फिनिशिंग की और स्ट्रेचिंग की प्रोसेस होती है, सन में इसको स्ट्रेच किया जाता है, तो जितनी प्रोसेस होती हैं उतनी फैमिलीज उसमें जुड़ती जाती हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये कारपेट बनाने में कम से कम 15 से 20 परिवारों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बिनाई से लेकर उतरने तक और उतने लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये एक तरीके की कला है और एक तरीके से हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है जो कि हमारा भारत देश करता है और बहुत लगभग 2000 करोड़ रुपए तक का व्यवसाय होता है। और इसमें एक सूत से लेकर के जो बुनने वाले से लेकर के उसकी ड्राइंग, उसकी फर्निशिंग, फिर उसकी कटिंग, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल, तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बिजनेस इंडस्ट्री है और इसमें सबकी भागीदारी है। हम जब बात भारत के हुनर की करते हैं, भारत की कला की करते हैं, तो ये कालीन विश्व के अनेक देशों में जा रहा है और इसके ज़रिए कह सकते हैं कि जो भारत का हुनर है, उसकी जो संस्कृति है, वो आगे बढ़ रही है। जब हम कारपेट बनाना शुरू करते हैं जी, तो हम ये नहीं देखते कि हम किस धर्म के हैं, क्योंकि जो मेनली कारीगर कारपेट बनाने वाले होते हैं वो मोहम्मदनी होते हैं। उसके बाद की जितनी प्रोसेस होती है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों होते हैं, मगर जो मेन कारीगरी वाला काम होता है वो मोस्टली हमारे एरिया में मोहम्मदंस ही करते हैं, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा हुनर होता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि एक के बाद एक प्रोसेस दोनों तरह के धर्मों से जुड़ी हुई है, अल्टीमेटली एक सर्वधर्म कारपेट बन के हम लोग के सामने प्रेजेंट होता है। कोरोना के बाद लोगों को लगा कि जो कलर होते हैं ये हम डाई करते हैं, तो जब हम कलर डाई करते हैं तो पता नहीं उसमें कौन से कीटनाशक या जो भी हैं हमारे उसमें आ सकते हैं, तो लोग धीरे धीरे नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जाने लगे, नेचुरोपैथी की तरफ जाने लगे, तो कारपेट्स और रक्स में भी वो नेचुरल प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करने लगे। तो इस समय वर्ल्ड की हर कंट्री के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग हम लोग भी नेचुरल फाइबर्स हम लोगों ने इन्वेंट किए और खोजे और उनसे हम लोग प्रोडक्ट बनाने लगे। नेचुरल फैब्रिक में सबसे ज़्यादा जो डिमांड में आया है वो आया हमारा जूट, जो कि हमारे इंडिया का खुद का प्रोडक्ट है और उसका सारा फाइबर और प्रोडक्शन सारा इंडिया में होता है, हमको कहीं से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो जूट की डिमांड, हमारे इंडिया के प्रोड्यूस किए हुए जूट की डिमांड बनी और बहुत से कारपेट्स हम लोग जूट के बना रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, यहाँ पर वीडियो में दिखाया गया आपको, तो वो जूट के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा लिनन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हम लोग, लिनन हम लोग आउटसोर्स करते हैं, दूसरी कंट्री से आता है, मगर वो भी नेचुरल फाइबर, उसका भी डिमांड बढ़ चुकी है। और विस्कोस भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से इस्तेमाल कम है उसका, और उसकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो कलर चेंज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो थोड़ी डिमांड कम है उसकी, बट फिर भी इस्तेमाल हो रहा है विस्कोस का भी नेचुरल फाइबर्स में। मिर्ज़ापुर का ये पक्का घाट और इस पक्के घाट के तट से छूती हुई ये माँ गंगा का प्रवाह, न जाने कितने सदियों से लगातार ये प्रवाहित है और इसके साथ प्रवाहित है भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की अक्षुण परंपरा। इस अक्षुण परंपरा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से, और लगातार हम ऐसे सूत्रों को बताते हैं जो भारतीय एकता, अखंडता और उसकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हैं। ऐसे ही किसी सूत्र के साथ एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी मुलाकात, नमस्कार।